हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको पोर्टोलका प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ। इस प्लांट के बहुत सारे वैरायटी आपको नर्सरीज में देखने को मिलती है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसमें ज़्यादा फूल लगने के लिए हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगी। तो अगर हम बात करें इस पौधे में जल्दी फूल कैसे लाए, तो सबसे पहले आपको इस पौधे को ज़्यादा सनलाइट जहाँ आती है इस जगह नहीं रखनी है, जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती है या फिर आपके पास कोई शेड है तो आप इसे शेड में रख सकते हैं। और दोस्तों, हमें इस पौधे को ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। आपको इसे 2 या 3 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें लगने वाले फर्टिलाइज़र की, तो आपको इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बिना फर्टिलाइज़र के भी ग्रोथ कर सकते हैं, पर आपको जल्दी से फ्लावर चाहिए तो मैं आज आपको एक सीक्रेट फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ, वो आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं और उसके पत्ते भी झड़ने लगे हैं और नई कलियाँ भी आ रही है, पर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है और वो गिर जा रही है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ आप इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो दोस्तों, वो फर्टिलाइज़र है राख। आपके यहाँ आसानी से राख कहीं भी मिल सकती है, आप इसमें राख डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक चम्मच में राख लिए हुए, और आप ध्यान रखें जब आप राख लें तो आप इसे ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि ज़्यादा लेने से आपका पौधा झड़ भी सकता है। आप इसे सिर्फ आधा चम्मच ही डालिए। राख में बहुत सारे फर्टिलाइज़र और मिनरल्स होते हैं जो आपके प्लांट को जल्दी ग्रो करने में मदद करते हैं। और दोस्तों, ये मेरे पास लकड़ी की राख है, ये आपको कहीं भी अवेलेबल होती है। आप इसे सीधे प्लांट में डाल सकते हैं, इसे कोई ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे प्लांट में डाल रहा हूँ। ध्यान रखना है आपको कि आपको सिर्फ आधा चम्मच ही डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालने से पौधा आपका जल भी सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा ये पौधा, इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें पिंक कलर के फूल आ रहे हैं और अच्छे इसकी ग्रोथ हो रही है। आप देख सकते हैं 10 से 11 फूल मेरे पौधे में आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं ये फूल अच्छे तरीके से खिल भी रहे हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां भी अच्छे से ग्रो कर रही है। और दोस्तों, इसमें नई नई कलियां भी आनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें नई नई कलियां आ रही है और वो अब गिर भी नहीं रही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।